उसके आने के बाद उस भयानक कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके हमारे चैनल एक्शन टेक में। आज हम बात करेंगे इंडिया की इस महीने की दो बड़ी फिल्मों के बारे में, जिसमें किच्चा सुदीप की फिल्म विक्रांत रोना और जॉन अब्राहम और अर्जुन कपूर की फिल्म एक विलन रिटर्न शामिल है। और आपको बताएंगे इन दोनों फिल्मों का आज का कलेक्शन कितना रहा, कौन सी फिल्म ने मारी अभी तक टोटल बॉक्स ऑफिस पर बाजी और कौन बना अभी तक का टोटल इंडिया का बॉक्स ऑफिस का सबसे बड़ा किंग। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं जॉन अब्राहम अर्जुन कपूर की फिल्म एक विलन रिटर्न के बारे में। आपको बता दें इस फिल्म को लेकर एक विलन फिल्म के फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड थे और सभी का मानना था यह फिल्म अपने पहले पार्ट की तरह ही बॉक्स ऑफिस पर काफी बड़ा धमाका करेगी। और अगर फिल्म के बजट, स्क्रीन और कलेक्शन की बात करें तो फिल्म को सिर्फ 80 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया और कई मल्टी स्टार कास्ट फिल्म होने की वजह से इस फिल्म को काफी अच्छे स्क्रीन पर रिलीज किया गया। लेकिन इसके बावजूद फिल्म को पब्लिक और क्रिटिक्स ने काफी ज्यादा पसंद किया, जिस वजह से यह फिल्म अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 7.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की ओपनिंग करने में कामयाब रही। लेकिन अगर फिल्म के अभी तक के टोटल कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म को अभी तक बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए आज 7 दिन हो चुके हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक अर्जुन कपूर जॉन अब्राहम की फिल्म एक विलन रिटर्न्स अपने 7वें दिन यानी आज बॉक्स ऑफिस पर 2.11 करोड़ रुपए के आसपास कमाई कर रही, जिससे फिल्म का 7 दिनों का टोटल इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 33.84 करोड़ रुपए से ज्यादा रहेगा। और अगर इस फिल्म से किच्चा सुदीप की फिल्म विक्रांत रोना का कम्पेयर करें तो विक्रांत रोना फिल्म में आपको किच्चा सुदीप के साथ जैकलिन और भी कई स्टार कास्ट नजर आए थे। वही इस फिल्म का बजट था 95 करोड़ रुपए, लेकिन इस फिल्म को पैन इंडिया रिलीज किया गया, जिस वजह से इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 5000 से भी ज्यादा स्क्रीन मिली। वो फिल्म को मिले पॉजिटिव रिव्यू की बदौलत यह फिल्म अपने पहले दिन ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 35 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की ग्रोस कमाई करने में कामयाब रही। लेकिन अगर फिल्म के पहले हफ्ते और अभी तक के टोटल कलेक्शन की बात करें तो विक्रांत रोना फिल्म का पहले हफ्ते का कलेक्शन भी काफी जबरदस्त रहा। वो फिल्म ने अपने पहले हफ्ते वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 173.25 करोड़ रुपए कमाए। लेकिन इस फिल्म को अभी तक बॉक्स ऑफिस पर रिलीज आज 8 दिन हो चुके हैं और रिपोर्ट के मुताबिक किच्चा सुदीप की फिल्म विक्रांत रोना अपने 8वें दिन यानी आज बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी पकड़ बनाते हुए 8.55 करोड़ रुपए के आसपास कमाई कर रही, जिससे फिल्म का टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 191.80 करोड़ रुपए से ज्यादा रहेगा। तो दोस्तों आज के कलेक्शन और अभी तक के टोटल कलेक्शन के मामले में किच्चा सुदीप की फिल्म विक्रांत रोना मारेगी बॉक्स ऑफिस पर बाजी, जिस वजह से किच्चा सुदीप बनेंगे इंडियन बॉक्स ऑफिस के सबसे बड़े सुपरस्टार और विक्रांत रोना फिल्म बनेगी इंडिया की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म। लेकिन अगर आपने इन दोनों फिल्मों को देखा है तो आपको इन दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म की स्टोरी सबसे ज्यादा पसंद आई और आप इन दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म को कहोगे 2022 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर और सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म जॉन अब्राहम और अर्जुन कपूर की फिल्म एक विलन रिटर्न्स को या फिर किच्चा सुदीप की फिल्म विक्रांत रोना को? आप क्या राय हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो आए तो हमारे वीडियो को लाइक करो और जाते जाते आपके और हमारे चैनल कलेक्शन टेक को अभी सब्सक्राइब का बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको लेटेस्ट इंडियन न्यूज़ के डेली बॉक्स ऑफिस की अपडेट मिलती रहेगी सबसे पहले।